الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إذا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإن كنتم في ريب مما نزلنا قلت الغوث من شتمي उस पर जो उतारा हमने अला अब्दिना अपने बंदे पर सूरत मिसली पसले आओ एक सूरत जैसी वदो शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह और पुकारो तुम अपने मददगारों को अल्लाह के सिवा إن كنتم صادقين اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے فإن لم تفعلوا
बस अगर तुम ऐसा न कर सको वन तपालो और हर जगह ऐसा न कर सकोगे जिसका ईंधन है इंसान और पत्थर तो तैयार की गई है अस्त्र काफिरों के आमंत आयाती मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो भाइयों एजाज़े कुरान का मौजूद हज़रात के सामने चल रहा है। इससे पहले एजाज़े कुरानी की दो वजूहात आप हजरात के सामने अर्ज कर दी गई हैं कि कुरान करीम को मौजज़ा क्यों कहा गया। उसकी एक वजह तो कुरान करीम का नुज़ूल है ऐसी जगह के अंदर जिसको कुरान ने वादी गैरिदी ज़रा कहा और फिर ऐसे माहौल के अंदर कि जो जाहिलियत का माहौल है और पूरे माहौल में पढ़ने लिखने का कोई इंतज़ाम नहीं और फिर जिस शख्सियत के ऊपर नज़ूर हुआ वो उम्मीद है ऐसी शख्सियत के जिनका बचपना भी माँ बाप के सहारे के बगैर यतीमी की हालत में गुजरा और जिन्होंने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा और 40 साल की आशा गुजर जाने के बाद उनके ऊपर उनकी ज़ुबान से एक ऐसा फसी और बली कलाम जारी हो जाता है कि जिसके अंदर अवलीन व आखरीन के सारे वरूम जमा हैं इंसान की ज़ाहरी और बातनी रूहानी और जिस्मानी तरबियत के सारे गुर मौजूद हैं और तरबियत मंजिल से लेकर घर से लेकर निज़ाम मुमलिकत तक के सारे निज़ाम मौजूद हैं। तो ये बतौर खुद एक मौजूदा और फिर कुरान ये चैलेंज करता है कि अगर तुम्हें इसके मौजूदा होने में और मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने में अल्लाह के कलाम होने में ही शक है और तुम ये दावा करते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तरफ से बना लिया है तो फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही कुरान जैसी एक सूरत ला करके तो दिखलाओ। वो लोग जो हर तरह की मुखालिफत से डरते थे सुकून इख्तियार कर लेते हैं और न सिर्फ सुकून इख्तियार करते हैं बल्कि अपनी निजी मजालिस के अंदर निजी महाफिल के अंदर इस बात का इकरार भी करते हैं कि ये किसी बशर का कलाम नहीं किसी इंसान का ये कलाम नहीं हो सकता। उसके चंद मिसालें मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज कर दी थी। बाद लोग इससे आगे बढ़ करके बरमला भी इजहार कर देते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है किसी इंसान का कलाम नहीं और फिर जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी वो ईमान भी लिया और बाद लोग इस वजह से ईमान न लाए कि अगर हम ईमान लाएंगे तो कबीला बनू अब्द मनाफ की सरदारी जो है वो सबके ऊपर कायम हो जाएगी। जिस तरह की अहनस इब्ने शुरैक ने जब अबू जहल से पूछा कि तुमने
इन तीन रातों के अंदर जो कुरान सुना है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उसने बरमला अपने ख्याल का इजहार किया कि हमने हर मैदान में बनू अब्दुल मनाफ का मुकाबला किया है, अब अगर हम इस खानदान के अंदर पैदा होने वाले एक रसूल जो ये दावा करता है कि मेरे ऊपर आसमान से वही आती है, इसको ईमान ले आएंगे तो फिर तो हम इस खानदान की बरतरी को कबूल कर लेंगे, जबकि पहले मामला बराबर बराबर चला रहा है। तो इसलिए हम हरगिज भी किसी सूरत में आप पर ईमान नहीं लाएंगे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम का चर्चा मक्का मुकरमा से निकल करके सरजमीन हिजाज के अंदर फैल जाता है, हज का जमाना आता है, तो सरदारान कुरैश को फिक्र लायक हो जाती है कि अब अतराफ अरब से लोग हज करने के लिए मक्का आएंगे, और जब ये लोग मक्का आएंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इस नए दीन के बारे में हमसे दरियाफत करेंगे, हमसे पूछेंगे। ये लोग जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे, उनका कलाम सुनेंगे, तो अंदेशा है कि वो इस कलाम के ऊपर फरेश्ता हो जाए और ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर लें। तो किस तरीके से लोगों को इससे रोका जाए, इसकी रोकथाम की जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मुश्तरका लाया अमल इख्तियार किया जाए, एक बात इख्तियार की जाए कि इन लोगों के सामने सब लोग एक ही बात कहें, हमारी बात के अंदर तजाद ना हो, इख्तिलाफ ना हो, हर एक अलग अलग बोली ना बोले बल्कि सबकी एक ही जुबान हो, ताकि लोगों को हमारी बात के ऊपर एतमाद हो। बड़े बड़े सरदार जमा हुए और उन्हीं में वलीद इब्न मुगीरा भी थे, जो कि उम्र के एतबार से भी सबसे ज्यादा, अकलमंद भी बहुत ज्यादा, माल के एतबार से भी सबसे ज्यादा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मक्का मुकरमा से लेकर के ताइफ तक उसकी जमीनें, उसके बागात, उसकी जायदाद फैली हुई थी। इमाम सौरी रहमतुल्लाह ताला जी फरमाते हैं कि सालाना 1 करोड़ दिरहम की आमदनी, अल्लाह ने माल भी दिया था, औलाद भी दी, और कुरैश के अंदर रेहाना कुरैश के लकब से मशहूर, और अपने मुतालिक वो ये दावा किया करता था कि आना वही डूबे वही कि मैं यख्ता हूँ और यख्ता का बेटा हूँ, न मेरी मिस्र कोई मौजूद है और न मेरे बाप की मिस्र कोई मौजूद था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके इस माल का और उसकी औलाद का और इसके इस दावे का जिक्र कुरान के अंदर फरमाया, ज़रनी वमन खलक्तु वहीदा वजअलतु लहु मालन ममदूदा वबनीन शुहूदा वमहदतु लहु तमहीदा, कि मुझे और इस आदमी को छोड़ दो कि जिसका ये दावा है, जिसको मैंने वहीद पैदा किया, यक्ता पैदा किया, वो जानते हो मालम ममदूदा खेला वो उसको माल दिया, वो बनी न शहूदा बेटे दिए, औलाद दी के जो हर वक्त हाजिर बाश रहे थे। तो इसके सामने कुरैश ने बात रखी कि देखो ये मस्का दर पे है, अतराफ अरब से लोग हज के लिए आएंगे, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या नजरिया अख्तियार करें? इसने कहा तुम्हें अपनी अपनी राय दो। तो कुछ लोगों ने राय दी कि हमारा ख्याल ये है कि हम उन लोगों के सामने ये कहें कि ये शख्स मजनून है और इसका जो कलाम है ये सिर्फ मजनूनाना शेर है। तो उसने कहा खबरदार ऐसा न कहना, इसलिए कि अगर तुम लोग उसे मजनून कहोगे और वो लोग जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनका कलाम सुनेंगे, तो इंतहाई आकिल उनको पाएंगे,
इंतहाई अकलमंद इंसान पाएंगे तो उन लोगों को यकीन हो जाएगा कि तुम उनसे झूठ बोले। फिर कुछ लोगों ने राय दी कि हमारा ख्याल ये है कि हम ये कहेंगे ये शायर हैं, तो उनसे कहा कि तुम ये भी ना कहना, और बखुदा तुमसे ज्यादा शेर और शायरी के बारे में मुझे इल्म है, जितनी मुझे महारत है इतनी तुमको नहीं है। लेकिन मैंने इस इंसान से ऐसा कलाम सुना है कि जो न किसी इंसान का कलाम हो सकता है न किसी जिन का कलाम हो सकता है। इस कलाम के अंदर ऐसी फसाहत है, ऐसी बलागत है, ऐसी लज्जत है, ऐसी रौनक है कि जो किसी बशर के किसी इंसान के कलाम के अंदर नहीं हो सकती। और अगर तुम लोगों के सामने ये कहोगे कि ये शायर है तो वो भी शेर व शायरी के बारे में जानते हैं, उन्हें मालूम है, इसलिए जब वो उनसे मिलेंगे उनसे बात करेंगे उनकी बात सुनेंगे उनका कलाम सुनेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये शायर नहीं है और उनका कलाम शेर नहीं है, लिहाजा वो तुम्हें झूठा यकीन करेंगे। कुछ ने कहा कि हम ये कहेंगे ये काहिन है कि जो सियातीन से जिन्नात से खबरें सुन सुन करके लोगों के सामने बयान किया करते हैं, तो उसने इसकी भी मुखालिफत की और कहा कि हमने काहिनों को देखा है, काहिनों का कलाम सुना है, काहिनों का कलाम ऐसा नहीं होता। अगर ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे उनका कलाम सुनेंगे तो मालूम हो जाएगा कि वो काहिन नहीं है और तुमने झूठ बोला है। तो उन्होंने कहा तुम ही बताओ। तो उसके बाद उसने कहा जरा मुझे मौका दो सोचने का। थोड़ी देर के लिए उसने सर झुकाया। कुरान करीम कहता है इन्नहु फक्कर वक़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर थुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर इन्नहु फक्कर। उसने गौर और फिक्र किया और गौर और फिक्र करने के बाद उसने एक बात तजवीज की थुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर, वो हलाक हो जाए बर्बाद हो जाए। कैसी बात उसने तजवीज की, फिर वो हलाक हो जाए बर्बाद हो जाए। कैसी बात उसने बनाई, कैसी बात उसने तजवीज की। सुम्मा नजर सुम्मा अबसर वबसर, फिर उसके बाद उसने अपना सर ऊपर उठाया और लोगों की तरफ देखने लगा और फिर उसके बाद उसने थ्योरी चढ़ाई, पेशानी के ऊपर बल लाया, मुंह बनाया। तुम अदबरा व तकबर, फिर पीठ फेरी और तकबर किए। जब किसी चीज़ से नफरत का इजहार किया जाता है तो इंसान अपना चेहरा फेर लेता है नफरत के इजहार के लिए। तो उसने भी इस कलाम से नफरत का इजहार करने के लिए पीठ फेर ली और फिर कहने लगा फ़क़ाल इन्हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर, कि तुम यूं कहो कि ये साहिर है जादूगर है और इसका जो कलाम है ये जादूगरों का कलाम है। इसलिए कि जो जादूगर होते हैं वो अपने जादू के ज़ोर से बाप और बेटे में, खावन और बीवी में, भाई और भाई के अंदर तफरीक और जुदाई डाल देते हैं। और जो आदमी इसका कलाम सुनता है, जो एक दफ़ा इसका हो जाता है तो वो फिर किसी का नहीं रहता। इसलिए घर घर में लड़ाई है, बाप बेटे के अंदर जुदाई है, बीवी खावन के अंदर जुदाई है इसके कलाम की वजह से। इसलिए तुम यूं कहो कि ये जादूगर है और जादूगर का कलाम। तो वो जानता था कि ये अल्लाह का कलाम है लेकिन इसके बावजूद फिर उसने ये बात कही। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसने भी सफा कि मैं इसको दोजख की अंदर दाखिल करूँगा, सऊर है को सऊद, इसे मैं सऊद के ऊपर चढ़ाऊंगा। सऊद फरमाया जहन्नम के अंदर पहाड़ है, 70 साल तक उस पर चढ़ता रहेगा और जब ऊपर चोटी भी पहुंचेगा तो फिर वापस जहन्नम में गिर जाएगा, फिर चढ़ता रहेगा, यही मामला उसके साथ हमेशा होता रहेगा। तो एजाज़ कुरानी की मैं ये दलील है कुरान का मौजज़ा होना कि जो मुखालिफीन थे वो भी इसको तस्लीम करते थे कि ये इंसान का कलाम नहीं है। बहुत सारे सरदारों ने ये बात कही
राबे अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रेब ऐसे शक को कहा जाता है कि जिसकी कोई बुनियाद ना हो और थोड़ा सा अगर इंसान उसके अंदर गौर करे, फिक्र करे, तामल करे तो वो रेब और वो शक दूर हो जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा के शुरू में फरमा दिया, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, कि इस किताब के अंदर कोई रेब नहीं है, कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर फरमाया वा इन कुंतुम फी रैब, अगर तुम्हें शक है और तरद्दुद है इस बात में, मिम्मा नज़लना, कि जो हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया उतारा, तुम्हें शक किसके अंदर है, तरद्दुद किस बात में है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा नहीं है बल्कि इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से वज़ा कर लिया है, अपनी तरफ से बना लिया है, अपनी तरफ से गाड़ लिया है। अला अब्दीना, इस कुरान करीम के मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने में तुम्हें शक है, वो कुरान के जिसको हमने उतारा किस पर, अला अब्दीना, हमने अपने बंदे पर उतारा। यहाँ पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया गया कि वो कुरान जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, और फरमाया कि आब्द की नस्बत करना प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये इंतहाई ऊंची सिफत है, इसलिए कि सही माने में जो अबदीयत पाई जाती है वो हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर पाई जाती है। कामिल तरीके से जो बंदे होते हैं, जो आब्द होते हैं, वो अंबिया अलैहिस्सलाम होते हैं। और फिर अंबिया अलैहिस्सलाम में से जो तमाम अंबिया के सरदार हैं, तमाम अंबिया से अफजल हैं, खातमुन नबीयीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सिफत अबदियत के अंदर अकमल करीम है। कि जितनी सिफत अबदियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती है बाकी किसी और के अंदर नहीं पाई जाती। इसलिए कुरान करीम में जहाँ पर किसी खास नेमत का जिक्र होता है, किसी खास इनाम का जिक्र होता है, तो वहां पर आब्द का लफ्ज जिक्र फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। जिस तरह के सूरह असरा में फरमाया सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा फातिहुज़ ज़ात, कि जिसने अपने बंदे को सैर कराई रात के वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों से होते हुए सिदरतुल मुंतहा तक अपने इस बंदे को पहुंचाया, मेराज अता किए, और फिर उसी एक ही रात के अंदर सिदरतुल मुंतहा से वापसी मस्जिद हराम तक का सफर तय कराया। तो ये जो मेराज का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया ये इनाम था, और इस इनाम का जिक्र आप के साथ फरमाया कि असरा बे आबदी, कि जिसने सैर कराई अपने बंदे को। फिर इसी सफर मेराज के अंदर जब सिदरतुल मुंतहा से आगे गुजरते हुए काब कौसैन तक पहुंचे और वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलामी हुई, तो फरमाया फअवहा इला अब्दिही मा अवहा, कि अल्लाह ने वही की अपने बंदे को वो जो उसने वही की। वहां पर जो राज और न्याज की बातें हुई, इंतहाई क़ुरब हासिल था रब्बुल आलमीन का,
इनाम था रब्बुल आलमीन का, तो वहां पर भी किसका जिक्र किया, अब्द का जिक्र किया कि रब्बुल आलमीन ने अपने अब्द को अपने बंदे की तरफ वही की जो कि उसने वही की। एक और मकाम पे फरमाया, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरक़ान अला अब्दी लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात के जिसने फुरक़ान यानी कुरान हमीद नाजिल किया किस पर, अला अब्दी अपने बंदे पर, ताकि वो सारे जहान को और जहान वालों को डराने वाला। तो हर मकाम पर जहां पर खास एहसान और इनाम का जिक्र है, अब का जफर लफ्ज अल्लाह ने वहां पर जिक्र किया है, अब की सिफत को बयान किया। नमाज के अंदर आप पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अगर यहां पर ये नहीं पढ़ते नमाज मुकम्मल नहीं। तो इसलिए फरमाया कि सिफत अबदीयत जो है ये एक कामिल तरीन सिफत है कि जो अल्लाह ने अपने खास बंदों को हजरत अम्बिया अलैहिस्सलाम को अता की, और फिर अम्बिया में से सबसे अफजल जो नबी हैं प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह ने ये सिफत अता की। बाद लोग जहालत की वजह से और गफलत की वजह से ये समझते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो बशर नहीं होते और वो इंसान नहीं होते। अम्बिया के लिए बशर होना और अम्बिया के लिए इंसान होना इसे मायूस समझा जाता है। हालांकि फरमाया कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का बशर होना ये मायूब नहीं बल्कि इंतहाई इज्जत की चीज। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नी खालिकुम बशरन मिन तीन, कि मैं मट्टी से पैदा करने वाला हूं किसको, एक बशर को, इंसान को। और फिर बशरियत में इंसानों में समय के सिफत अबदीयत सबसे बढ़ करके, कि जिसे अल्लाह सिफत अबदीयत से नवाज दे उससे बढ़ करके कोई सिफत नहीं होती। हम और आप, हमारे अंदर तो अबदीयत है ही नहीं, कहने को तो हम अब्द हैं बंदे हैं लेकिन सिफत अबदीयत से खाली है, गुनाहों से आलूदा हैं। समय कि जिसे अल्लाह सिफत अबदीयत नवाज दे, बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ी ऊंची सिफत है कि वो इंसान हर वक्त अल्लाह की इबादत के अंदर और अल्लाह की इताअत के अंदर जो है वो लगा रहता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर फरमाया कि वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, ऐ लोगों अगर तुम्हें शक है इस बात में कि ये कुरान करीम जिसे हमने नाजिल किया किस पर, अपने बंदे पर, अगर इसके तुम्हें मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने में शक है तो फ़र्तू बिसूरति मिन मिस्ली, तुम कुरान जैसी एक सूरत ला करके दिखला दो। सूरत कहते हैं एक हिस्से को, एक किस्सा को, जिसका इम्तियाज वही के जरिए से खुद रब्बुल आलमीन ने किया। कुरान करीम के अंदर छोटी बड़ी 114 सूरतें हैं और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अल्फाज जिक्र किए हैं, फ़अतू बिसूरति मिन मिस्ली से पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मुशरिकीन मक्का और कुफार के इस एतराज के मुकाबले में अल्लाह ने पहला जो चैलेंज किया था वो ये था, कुल इन तमातिलिंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्ली, कि अगर सारे ही इंसान और जिन्नात मिल जाएँ और कुरान का मिसल लाना चाहें, कुरान की नज़ीर पेश करना चाहें तो इसकी नज़ीर इसका मिसल नहीं ला सकता। इस चैलेंज को कोई कबूल न कर सका तो तख़फ़ीफ की और फरमा दिया कि फ़अतु बिअश्र सुवरिम मिस्ली मुफ्तरयातिन वदू मन इस्तता'तुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, कि चलो पूरा कुरान नहीं ला सकते तो कुरान जैसी 10 सूरतें ला कर दिखला दो। वदू मन इस्तता'तुम मिन दूनिल्लाह,
अल्लाह के सिवा जिनको अपनी मदद के लिए जमा कर सकते हो जमा कर लो, और सब मिल करके कुरान जैसी 10 सूरतें पेश करके दिखलाओ। इस चैलेंज को भी कोई कबूल ना कर सका, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिर में और तकलीफ करके फरमा देते हैं, फअतु बिसूरतिन मिन मिस्लिही। जब 10 सूरतें नहीं पेश कर सकते तो कुरान जैसी एक ही सूरत लाकर दिखला दो, और सूरत का जो अल्फाज है वो बगैर अलिफ लाम के जिक्र किए अल्लाह ने। मुराद इससे ये है कि सूरत कोई भी आम है, चाहे बड़ी सूरत हो चाहे छोटी से छोटी सूरत हो, अगर बड़ी सूरत पेश नहीं कर सकते तो छोटी से छोटी सूरत जो है कुरान जैसी ला करके दिखला दो, जो 3 आयात पर मुश्तमिल हो, जैसे सूरह असर है, सूरह कौसर है, जिसके अंदर 3 आयात। तो फरमाया कि ऐसी सूरत ला करके दिखला दो जो इंतहाई मुख्तसर है, लेकिन उसके अंदर कुरान की तरह फसाहत हो, कुरान की तरह बलागत हो, कुरान के दिए हुए निज़ाम की तरह उसके अंदर निज़ाम हो, और कुरान के दिए हुए इज्तिमाई कानून की तरह उसके अंदर कानून हो, और कुरान की तरह उसके अंदर दस्तूर हो। फरमाया कभी भी नहीं हो सकता। 1400 साल गुजर गए और कोई भी इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सका कि कुरान जैसी एक छोटी सी सूरत ला करके पेश कर सकते। मौलाना अबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो बड़े सगीर में मशहूर गुजरे आलिम दीन, 16 साल की उम्र थी, इस्लाम कबूल किया और सिख मत से इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पुत्र थे। वो अपनी डायरी के अंदर लिखते हैं कि अगर सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया की जितनी भी अकवाम हैं, अगर ये इस बात के अंदर ज़रा गौर करें, फिक्र करें इंसाफ के साथ, तो उनके ऊपर ये बात खुल जाएगी और वाज़े हो जाएगी कि जो प्रोग्राम और जो निज़ाम अदल इस्लाम ने और कुरान ने पेश किया है, दुनिया की कोई कौम ऐसा निज़ाम ऐसा प्रोग्राम पेश नहीं कर सकती, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो नसारा हों। कुरान के अंदर जो फसाहत और बलागत है, कुरान के अंदर जो कानून है और जो निज़ाम है और जो प्रोग्राम है, फरमाया कि वो किसी और आसमानी किताब के अंदर भी नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज किया, फातु बिसूरत मिन मिस्लिही, एक छोटी सी सूरत जो है वो ला करके दिखला। मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबूवत का दावा किया, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला जब मुसलमान नहीं हुए थे उसके पास गए, तो उसने पूछा कि तुम मक्का से आए हो, बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई ताज़ा कलाम नाजिल हुआ। तो उसने बताया कि हाँ, एक छोटी सी सूरत नाजिल हुई है, बड़ी जामे और बड़ी माने सूरत है, सूरह असर, और पढ़ करके सुनाई। तो थोड़ी देर के लिए उसने खामोशी इख्तियार की और फिर उसके बाद कहने लगा कि मेरे ऊपर भी एक सूरत नाजिल हुई है। और फिर उसने जो सुनाई तो उस वक्त जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसके ऊपर लान तान की कि कहाँ तुम्हारे ये कलाम और कहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कलाम के अंदर ऐसी फसाहत रखी है, ऐसी बलावत रखी है कि फरमाया कि वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें इसके मुनज़्ज़िल मिन अल्लाह वाले में शक है तो इस जैसी एक सूरत ला करके दिखला दो, और अगर खुद नहीं ला सकते वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, तो जो तुम्हारे शुहदा हैं जिनके बारे में तुम्हारा ये दावा है कि क़यामत के दिन ये हमारे हक में शाहिद बनेंगे, गवाही देने वाले बनेंगे, जिनकी तुम पूजा करते हो, प्रस्तुत करते हो, जो तुम्हारे माबूदान बातिल हैं और जिनके बारे में तुम्हारा ये इतिकाद है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये हमारे हक पर होने की गवाही देंगे,
तो तुम अपने उन माबूदान बातिला को, उन शुहदा को भी अपनी मदद के लिए बुला लो जिनके बारे में तुम्हारा ये इतिकाद है कि ये नाफे हैं और ये दार हैं, इनसे हमें नफा पहुंचता है और ये हमें नुकसान से बचाते हैं। तो अब तुम्हें इसकी जरूरत है कि वो तुम्हारी मदद के लिए आए, तुम्हें नफा पहुंचाए। वधू शुहदा को मैं दूर रखा, जितने भी तुम्हारे ये माबूदान बातिल आए इन सबको अपनी मदद के लिए जमा कर लो और कुरान जैसी एक सूरत जो है वो ला करके दिखला दो। लेकिन जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि कुरान के अंदर अल्लाह ने ऐसा एजाज रखा है कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अंदर ऐसी फसाहत और बलागत, इसके अंदर चैलेंज है, इसके अंदर गैब की खबरें हैं और इसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के वो वाकयात हैं, वो हालात हैं कि जिसके बारे में बड़े बड़े यहूद और नसारा के उलमा भी नहीं जानते थे, लेकिन एक उम्मी शख्सियत 40 साल के बाद उसकी ज़ुबान के ऊपर ये कलाम तारी होता है, ये कलाम जारी होता है और वो वाक़ियात जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए, जो अक़वाम आई, जो अंबिया आए, वो वाक़ियात बयान कर देते हैं। और फिर कुरान करीम के अंदर ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया कि जो आइंदा ज़माने में पेश आएंगी, पेशन गोईयाँ, जो कि जिस तरह कुरान ने बयान किया हूबहू उसी तरह ज़ाहिर हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि ये कुरान मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है और किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं। सुभानकल्लाह बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका।